सबको नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, चलें ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर है, इसमें हमने दो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, वही रोटेशनल इनर्शिया वाले, वो हमने करने हैं। इसमें एक तो है आपके पास स्ट्रेट रॉड, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये देखें, एक्सिस थ्रू द सेंटर यानी इसके मिड पॉइंट से एक्सिस गुजरेगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसकी लेंथ के साथ 90 के एंगल पर होगा। यानी फर्ज कर लें कि आपके पास जो रॉड है वो कुछ इस तरह का है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो है कैपिटल एल और इस रॉड की का जो मिड पॉइंट है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमने इसके मिड पॉइंट से पास करवाना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है रॉड के साथ 90 के एंगल पर होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में हमने ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज़ करना है। रॉड को अगर 3D में इमेजिन करें तो कुछ इस तरह का होगा। अब अगर मैं मिड पॉइंट के मुताबिक देखूं तो रॉड की आधी लेंथ एक तरफ है, इसे आप माइनस एल बाई टू कह सकते हैं, और जो दूसरा एंड है वो है प्लस एल बाई टू। यानी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक। अब सबसे पहले इस रॉड का, अगर हम इस रॉड की अगर हम डेंसिटी लिखें तो इसकी डेंसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब कैपिटल एम जो है ये टोटल मास है रॉड का और नीचे इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे आएगा, यहाँ पर देखें, ये जो मैंने साइड पे एक प्लेन शो की है, ये वाली, ये है असल में रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रॉड की पूरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रॉड का वॉल्यूम आ जाएगा, यानी मास ऑफ रॉड जितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमने नीचे लिख दिया। अब हम बात करते हैं स्मॉल एलिमेंट की, जैसे हम हमेशा हर टॉपिक में करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस रॉड का एक थोड़ा सा हिस्सा फ़र्ज़ किया है जिसकी कोई ना कोई विड्थ है, ये इसकी विड्थ है और ये थोड़ा सा हिस्सा हमने फ़र्ज़ किया है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा वो है एक्स और इसकी जो विड्थ है उसको हम डी एक्स का नाम दे सकते हैं। दिस इज विड्थ ऑफ रॉड। अब फर्ज कर लें कि विड्थ ऑफ रॉड कह रहा हूँ, विड्थ ऑफ दिस एलिमेंट। फर्ज कर लें कि ये जो एलिमेंट हमने फर्ज किया है इसका मास है डी एम और इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम डी वी से जाहिर कर सकते हैं। अब हम बात करने लगे हैं उस छोटे से मास की। अगर हम दोबारा से डेंसिटी को डिफाइन करें तो वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम वाली टर्म दूसरी तरफ चली गई और आपके पास ये इक्वेशन बन गई, डी एम इज इक्वल टू रो डी वी। अब जो डी वी है इसको उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। डी वी क्या है, डी वी जो है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मल्टीप्लाइड बाय विड्थ डी एक्स। ये आपके पास इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से डी वी की जगह हमने लिख दिया ए इंटू डी एक्स। अब जो रो था उसकी जगह हमने रो की वो वैल्यू पुट कर दी जो हमने ऊपर लिखी हुई है, ये वाली, तो एरिया जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब एरिया कैंसिल हो गया तो आपके पास जो मास ऑफ एलिमेंट है वो आ गया ये,
अब जैसे रोटेशनल इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला होता है, रोटेशनल इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मास उसका क्या है? dm, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है? x। तो ये हमारे पास इतने से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बड़ा ही सिंपल है, आप सिंपली क्या करेंगे, पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और लिमिट लगा देंगे माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक। ठीक हो गया, ये आपके पास लिमिट लग गई। अब इसमें कैपिटल एम और कैपिटल एल बाहर क्यों आया है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है। फिर आगे हमने क्या किया है? आगे दोबारा वही काम किया जो पिछले लेक्चर में भी किया था कि माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू की बजाय अगर हम जीरो से प्लस एल बाई टू तक जाते हैं तो फिर पूरी इंटीग्रेशन को डबल करना पड़ेगा। पीछे हमने टू लगा दिया और आगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसका हमने पावर फार्मूला यूज़ किया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, जो थ्री है इसको बाहर लिखा हुआ है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, टू एम डिवाइडेड बाई थ्री एल, अपर लिमिट आ जाएगी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, एल बाय 2 का क्यूब था ना, और माइनस जीरो करेंगे वो तो जीरो हो गया लोअर लिमिट। अब ये बन जाएगा 2m इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3l इंटू 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ये जो 8 है ये ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया, और बाकी एक l भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला l कैंसिल हो गया, ऊपर l का स्क्वायर रह गया। तो आपके पास रोटेशनल इनर्शिया का ये एक फॉर्मूला आ गया, ये 1/12 ml². लेकिन ये जो रोटेशनल इनर्शिया है ये कब आएगा? जब हम रॉड को उसके मिड पॉइंट वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके इर्द गिर्द घुमाएंगे। अब जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो इसी में एक स्पेशल केस भी पूछ सकता है कि आप मिड पॉइंट से घुमाने के बजाय आप उसके एज से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करवाएं, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। हमने तो रोटेशनल इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द किया है जो उसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, लेकिन फ़र्ज करें आपसे वो ये कहता है कि आप उसके एंड से जो रोटेशनल एंड से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है उसके इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, तो फिर यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब आप देखें ये दोनों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हैं ये आपस में पैरेलल हैं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है एल बाय टू, तो इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये ICM आ जाएगा। ICM क्या है? रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है ये वाला, प्लस एम डी स्क्वायर, डी की जगह आ जाएगा एल बाय टू, कैपिटल एम जो है मास ऑफ रॉड को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह से जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो 1/3 ml² है ये रोटेशनल इनर्शिया है रॉड का। अगर ये वाला रॉड है तो इसका रोटेशनल इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है एक सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट का, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेट एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर। मैं आपका आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमने रोटेशनल इनर्शिया कौन से एक्सिस के इर्द गिर्द फाइंड करना है। देखें, अगर मैं रेक्टेंगुलर प्लेट को टॉप से देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इसमें ये जो है ये विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट होगी, ये टॉप व्यू है। लेकिन अगर मैं इसका साइड व्यू लूँगा तो मुझे ये रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ ऐसे नज़र आएगी। ये हम साइड से देख रहे हैं। और जो प्लेन ऑफ रोटेशन है इस वक्त, जो मैंने अभी अभी डायग्राम बनाई है, इसकी प्लेन ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि आपने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्ज करना है वो ऐसा होना चाहिए
जो इसकी प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर हो और इसके सेंटर से पास कर रहा हो, यानी हमने ये वाला रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की समझ आ गई? जी सर, लगी है। ओके, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को हम किस तरह लेके चलेंगे मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमने असल में क्या करना है। इसका दोबारा से टॉप व्यू लें, ये प्लेट का टॉप व्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्क को, सॉरी डिस्क कह रहा हूँ, इस प्लेट को इस अलोंग द लेंथ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट करेंगे जो उसके मिडल से गुजर रहा है, इसके इर्द गिर्द रोटेट करेंगे, रोटेशनल इनर्शिया की कोई एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम इसी डिस्क को वर्टिकल, ये वाला एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट करेंगे जो इसकी विड्थ के अलोंग है और सेंटर से पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और बाद में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके ज़रा गौर करें, हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जब मैं आपको सिलेंडर का करवा रहा था, तो उसमें हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशनल इनर्शिया हमें पता है तो हम इन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके इर्द गिर्द रोटेशनल इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रा गौर करें, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है, ये इन दोनों, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इन दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, इसके और इसके, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया यहाँ आएगा और जो यहाँ आएगा, इन दोनों का सम कर लेंगे तो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा ये वाला। आपको समझ आ गई? दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अब हमारे लिए समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। फर्ज कर लें जो हमने रेक्टेंगुलर प्लेट फर्ज की है, फर्ज कर लें वो ये है, इसको हमने ए बी सी डी का नाम दे दिया। इसमें जो प्लेट की विड्थ है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसे मैं स्मॉल ए का नाम दे देता हूँ, और जो प्लेट की लेंथ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसे मैं स्मॉल बी का नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम प्लेट को रोटेट करेंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये किस साइड के पैरेलल है, ए डी साइड के या बी सी साइड के, हम कह सकते हैं ना ये विड्थ के पैरेलल है और मिडल से गुजर रहा है। समझ आ रही है? इसे आ रही है। ओके, सबसे पहले जैसे हम हर टॉपिक करते हैं, मतलब हर क्वेश्चन इस तरह का करते हैं, सबसे पहले हमने सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि यहाँ जो मास है ये सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें आ जाएगा मास पर यूनिट एरिया। अब एरिया किसके इक्वल आएगा, हम जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, इनमें से एक को हमने ए से जाहिर किया हुआ है और दूसरे को बी से जाहिर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने प्लेट को टॉप व्यू में लिया और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बिल्कुल प्लेट के मिडल पॉइंट से गुजर रहा है और साइड ए के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, ये हमने कंसीडर किया, और यहाँ एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर ली। ये छोटी सी स्ट्रिप आप देख रहे हैं जिसको मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है उसे आप डी एक्स कह दें, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे स्मॉल एक्स का नाम दे दें। अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रिप की बात करूँ तो इस ट्रिप के लिहाज से अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे मास पर यूनिट एरिया। अब यहाँ जो मास है स्ट्रिप का, उसको हमने डी एम से जाहिर किया और इसका एरिया है डी ए। एरिया किस तरह आएगा, लेंथ इनटू विड्थ, इस ट्रिप की लेंथ क्या है, स्मॉल ए,
और इस स्ट्रिप की विड्थ क्या है, डी एक्स। तो जब आप डी ए को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, डी ए की जगह क्या लिखेंगे बताएं। गुड, डी ए की जगह ए डी एक्स आ गया। डेंसिटी की जगह हमने वो जो ऊपर हमने डेंसिटी की वैल्यू लिखी थी एम ओवर ए बी, ये लिख दिया। ए ए से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल ए कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल बी इंटू डी एक्स। अब हम इस छोटी सी स्ट्रिप का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के इर्द गिर्द, और उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो आ जाएगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डीआई का नाम दे देते हैं। डीएम की वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू डीएम की पुट कर दी और साथ एक्स का स्क्वायर है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, बताएं इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेके कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। अब ये टोटल जो लेंथ है ये स्मॉल बी है, तो अगर मैं सेंटर से देखूं तो ये वाली साइड कितनी है, माइनस बी बाई टू, और यहाँ तक जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस बी बाई टू। तो फिर हम इंटेग्रल पे लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस बी बाई टू से लेकर प्लस बी बाई टू, बाकी अंदर सारा वैसे का वैसा। अब इसमें कैपिटल एम और स्मॉल बी ये कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर भी लिख सकते थे, ये वाली जो टर्म है ये कॉन्स्टेंट है, से बाहर भी लिख सकते थे। आगे दोबारा हमने वही मेथड किया है, माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू जाने की बजाय हम अगर जीरो से यानी मिड पॉइंट से बी बाई टू तक जाएं तो फिर पीछे टू आ जाएगा। अंदर एक्स स्क्वायर है, इस पे पावर फार्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ अलग से करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, पावर फार्मूला और लिमिट है जीरो टू बी बाई टू। इसको सिंप्लीफाई करें, टू एम डिवाइडेड बाई बी, ये बी है, ऊपर अपर लिमिट लगाई बी क्यूब डिवाइडेड बाई एट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई थ्री पहले से मौजूद है, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। 2 कैपिटल एम बी क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल बी इनटू 3 इनटू जो ऊपर वाला 8 था वो भी आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ 4 पे गया और आपके पास आ जाएगा ये एक बी भी कैंसिल हो गया, आपके पास बन जाएगा नीचे 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 1 ओवर 12 कैपिटल एम इनटू बी का स्क्वायर। ये आपके पास रोटेशनल इनर्शिया आ गया है कौन से एक्सिस के इर्द गिर्द, इस एक्सिस के इर्द गिर्द। पूरी प्लेट का रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द साइड ए, ऐसा ही है। और ये फॉर्मूला क्या आया है, 1/12 एम बी स्क्वायर। ठीक है, नजर आ रहा है सबको। अब देखें, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट किया था साइड ए के पैरेलल और आंसर आया है 1/12 एम बी स्क्वायर। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट करेंगे साइड बी के पैरेलल यानी ये वाला, तो फिर फाइनल जो फॉर्मूला आएगा उसमें 1/12 एम ए स्क्वायर आएगा। समझ आ गई जी। तो आपके पास दो रोटेशनल इनर्शिया आ गए, एक साइड ए के पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट करने पे और दूसरा साइड बी के पैरेलल रोटेशनल इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट करने पे। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके जो मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और आपके पास रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा अबाउट द एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू दीज टू एक्सिस। अगर मैं इस डायग्राम में थोड़ी सी तब्दीली करूं, एक एक्सिस हमने ये फर्ज किया था, एक एक्सिस हमने ये फर्ज किया था, इन दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द जो रोटेशनल इनर्शिया आया उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया आ गया अबाउट दिस एक्सिस। और इसी रोटेशनल इनर्शिया को फाइनल फार्मूला में कैपिटल आई का नाम दिया गया। तो सिंपली आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। So this is the rotational inertia of rectangular plate
अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट। आप सबको इस टॉपिक की इक्वली समझ आ गई है? जी बच्चों। सर ठीक। जी सर आ गए। जी बेटा क्या पूछना है, क्या पूछना है आपने? सर वो जो आपने अभी वो रॉड की बताई है ना, तो टोटल लेंथ उसकी एल हुई, तो हाफ लेंथ के साथ आपने माइनस क्यों लगाया? अगर ऐड करेंगे फिर तो वो जीरो आ जाएगी, टोटल लेंथ एल तो नहीं आएगी। आपने ऐड नहीं करना। ये देखें मैं आपको अभी ये समझाता हूँ, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ आ गई है। ये देखें, ये फर्स्ट करें टोटल लेंथ, आप इसका मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है? मिड पॉइंट को आप ज़ीरो कह दें, फर्ज करें। ज़ीरो से इस तरफ जाएं तो प्लस एल बाई टू, और बैकवर्ड आएं, बैकवर्ड आने का मतलब है आप डिस्टेंस को माइनस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और तरह भी समझाता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माइनस एल बाई टू से चलते चलते प्लस एल बाई टू तक जाना है, तो आप इसमें कितना ऐड करेंगे? एल ऐड करेंगे। अब माइनस एल बाई टू में एल ऐड करें तो आपको प्लस एल बाई टू मिल जाएगा, ठीक है? समझ आ गई? मैं एक और तरह आपको बता देता हूँ। अगर आप माइनस फोर से प्लस फोर तक जाना चाहते हैं तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे? एट। समझ आ गई? ओके, मैं आपको एक दफ़ा स्क्रीन पे ये दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया था, ये कीबोर्ड पता नहीं क्यों आ जाता बार बार। ओके, यहाँ से हमने शुरू किया था, कहाँ से? यहाँ से जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर मैंने आपको शुरू में समझाया कि हमने करना क्या है। पहले हमने इस एक्सिस के इर्द गिर्द फाइंड करना है, फिर हमने इस एक्सिस के इर्द गिर्द फाइंड करना है, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के ऐड करके इस एक्सिस के इर्द गिर्द आंसर आ जाएगा। और फिर हम चलते गए चलते गए, यहाँ तक पहुँचे, फिर हम पहुँचे जनाब यहाँ तक, फिर हमने ये किया थोड़ा सा और ये फाइनल आंसर आ गया। सबको क्लियर है? जी सर। जी तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको इसकी ठीक से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।